नमस्ते, मैं हूं अंकित और महेश, इस समय सतना शहर में। तो क्या स्थिति है यहां पे सतना में? चुनाव की त्रिकोणी है, काम तो सभी का बेहतर था जी, बट इस बार परिवर्तन जरूरी है। शिवराज जी की सरकार में लड़कियों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है, लड़कों के लिए तो कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता भैया, क्या करें, जब लड़कियों के लिए दे रहे हैं तो लड़कों के लिए कुछ देना, लड़के कैसे बेरोजगार भागते रहेंगे। नमस्ते, मैं हूं अंकित और मंच की मंडली मध्य प्रदेश के चुनावों को कवर करते हुए अब नए पड़ाव पे पहुंची है। हम हैं इस समय सतना शहर में। सतना शहर की ये मुख्य रोड है और इस मुख्य रोड पे हम एक दुकान पे खड़े हैं जिसका नाम है किशोरी भंडार। दरअसल ये किशोरी भंडार जो है ये अपने लॉन्ग लटके के वजह से फेमस है और भीड़ आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पे लगती है। लोग आधे आधे घंटे भी इंतज़ार करते हैं इस लॉन्ग लटके को खाने को लेकर। तो इस शॉप के जो ओनर हैं महेश जी, हम उनसे बात करेंगे। बेहद पुरानी शॉप, ये 50 साल से ज़्यादा पुरानी शॉप मानी जाती है और इसकी स्पेशलिटी दूध से बनी मिठाइयों के साथ ही ये लॉन्ग लटका है। तो हम महेश जी से बात करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअली ये क्या चीज़ है और कैसे बनती है। लौंग का क्या इसमें काम होता है? लौंग का स्वाद मिल जाता है खाने के बाद, और क्या नाम से लौंग लगाने से उसका ओपन नहीं होता, खुलता नहीं है। अच्छा, मतलब एक तरीके से गुजिया को बांधने का एक तरीका है ये, ठीक है। ये अपनी शॉप ये कितनी पुरानी है? मेरे तो ग्रैंड फादर की थी, 1948 की लगभग की है जी। और बताइए तो कौन किसका लग रहा है यहाँ पे? विधायक जी सांसद बनेंगे? माफ कीजिए, सांसद जी क्या इस बार विधायक बनेंगे? ये तो जनता मेरे ऊपर वोट से, तो मैं तो एक जन को थोड़ी बता सकता हूँ। वोट पड़ते हैं वोट में, है ना, और जिसकी बारी है ये हम लोग को तो पता नहीं चलता, ये आप लोग ही निकाल सकते हैं कौन जीत रहा है। सभी मजबूत है, कोई कमजोर नहीं, सभी मजबूत है यहाँ, सब व्यवहार कुशल व्यक्ति है। ठीक है, क्या सतना में क्या चल रहा है? यहाँ पे विधायक जी से लड़ने के लिए सांसद जी को उतार दिया गया है, तो सांसद जी क्या विधायक बन पाएंगे? जरूरी है नहीं भाई, वो सांसद ही बने रहेंगे। मतलब मेरा इशारा गणेश सिंह जी के ऊपर है, तो कांग्रेस से यहाँ पे एक विधायक हैं सिद्धार्थ जी, तो कौन जीत, किसकी ज्यादा संभावना है? इसमें बीजेपी का माहौल है, बीजेपी का है। दादा आप क्या स्थिति है? बीजेपी की जीत होगी, बीजेपी की जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। चार बार से गणेश सिंह जी यहाँ सांसद हैं, काम उनके ठीक हैं? काम बढ़िया, व्यवहार बढ़िया, हमारी भारतीय जनता पार्टी सब अच्छा काम है सभी जगह, चाहे शिवराज जी हो चाहे मोदी जी हो। तो क्या स्थिति है यहाँ पे सतना में? चुनाव की त्रिकोणी है, एक चतुर्वेदी जी ठीक है, उनका पोजीशन फाइट दे रहे हैं, बढ़िया पोजीशन है, वो टक्कर दे रहे हैं। त्रिकोणी मुकाबला है कि त्रिकोणी है? त्रिकोणी, गुरु चेला और पंडित, गुरु चेला और पंडित। आप तो यंगस्टर हैं, थोड़ा सा बताइए कि क्या सतना में चल रहा है इस समय, कौन मजबूत है, किसका काम ज्यादा बेहतर है? काम तो सभी का बेहतर था जी, बट इस बार परिवर्तन जरूरी है। फिर सीबा भैया निकालेंगे जी, सिद्धार्थ जी। हाँ ठीक, क्या काम है इस बार? 5 साल वो विधायक रहे हैं तो उनके काम बेहतर रहे हैं? हाँ बढ़िया काम है। और ये जो भाजपा के सांसद जी हैं वो नहीं, अब बहुत क्या है ना कि ज़्यादा दिन तक नहीं किसी को रखना चाहिए, नहीं मिठास में अब फिर कीड़े पड़ने लगते हैं। अच्छा बस बात वही है, अब बहुत कर लिए राज, अब दूसरे को थोड़ा चांस दिया जाए। और क्या, परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन होगा तब तो काम होगा। रोजगार की दृष्टि से यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है, हम लोग बेरोजगार भाग रहे हैं, क्या करें? क्या करते हैं अभी? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। बेरोजगार कैसे? अरे तू अब क्या है, बैंक में जॉब करता हूँ, 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ, 14,000 रुपए सैलरी मिलती है प्राइवेट बैंक में। जी हाँ, मतलब कुछ अगर जैसे बिजनेस, आप यंगस्टर हैं, बिजनेस को लेकर सरकार कई सुविधाएं देती है, उसका कभी कोशिश नहीं की फायदा लेने के लिए? किया बहुत। एग्जाम ये होते हैं 40 के आसपास बताए जाते हैं, पेपर लीक हुआ है जी, भाजपा सरकार में ऐसा कांग्रेस का आरोप है, आपको लगता है कि रोजगार के मामले में ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 2018 की भर्ती 2023 में उसका फिजिकल होता है,
ये क्या हो रहा है, तब तक मैं एज खसक जाती बंदे की इंतजार में कि कब होगा कब होगा, और वो भी पता नहीं चलता कि डेट कब आई। हाँ ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जी। हाँ और मुद्दा भी शायद, हाँ CISF का मैंने डाला था 2018 में, मेरा फिजिकल भी हुआ था और तो रिटर्न का एग्जाम के लिए अभी 2023 में आया, पता ही नहीं चला। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे मिठाई की मिठास के साथ ही पॉलिटिकली लोगों ने क्या बताया है, क्या स्थितियाँ हैं सतना में। आगे भी इस मार्केट में और चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या सतना का पॉलिटिकल मिजाज है और क्या यहाँ की जनता सोचती है, कौन सी पार्टी आगे है। तो ये यात्रा भी जारी है, चलते हैं आगे। हमारे साथ राहुल जी हैं, राहुल जी सतना में रहते हैं और हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं तो हमारे पास आए, तो हमने सोचा कि उनसे भी क्या सोचते हैं जान लें। तो क्या स्थिति है यहाँ तो सतना में मेनली टक्कर है दो पार्टियों के बीच, मुझे लग रहा है जहाँ तक। एक तो कमलाकर पंडित जी के बेटे लड़ लिए हैं शिवा चतुर्वेदी चुनाव बसपा से, पहले भाजपा के नेता थे, तो बीजेपी का थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा। लेकिन जहाँ तक गणेश सिंह जिस प्रकार से हाईटेक प्रचार कर रहे हैं चीज़ों में, तो मुझे लग रहा है कि शायद दोनों में टक्कर है। अब ये नहीं कहना नहीं हो सकता कि कौन जीतेगा, लेकिन यहाँ ब्राह्मण वोटर कितने परसेंट होगा? ब्राह्मण वोटर यहाँ 60% है लगभग 60%। पूरा एनालिसिस किया है विधानसभा का? हाँ थोड़ा बहुत तो है ही। यहाँ के क्या मुद्दे हैं वैसे? मुद्दे हैं सड़क, जमीन, पानी, गरीबी तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही। डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में है पिछले 9-7 साल से, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल है। तो जो काम हुए हैं क्या संतोषजनक नहीं है वो? संतोषजनक काम है, लाडली बहना योजना आई है, अच्छा काम किया है उसने लाडली। बेरोजगारों के लिए क्या हुआ? बेरोजगारों के लिए भी नए नए इंडस्ट्रियल पार्क बने हैं, नई चीज़ें हुई हैं। यहाँ तो उतना नहीं बना है, लेकिन जैसा जहाँ रिसोर्स है वहाँ तो चीज़ें हैं। जैसे यहाँ सीमेंट्स का रिसोर्स है तो सीमेंट्स की फैक्ट्री यहाँ बहुत ज़्यादा है। अभी आप क्या करते हैं? मैं तो अभी MPPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बड़े पेपर लीक होते हैं? पेपर लीक तो हुए हैं मान, सही बात है, पर कुछ तो एज लिमिट तो नहीं निकल रही? मेरी तो अभी नहीं हुई ही नहीं, एज लिमिट ही नहीं हुई, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये MPPSC में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसकी भर्तियों पर भी काफ़ी सवाल उठे हैं, उसको लेके क्या कहना है? ये कि सरकार जो कमलनाथ की सरकार आई थी उसने ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ा दिया था, इस कारण से कोर्ट में केस पूरे चले गए। नहीं तो पहले भर्तियां तो लगातार 5 साल एक जैसे अच्छे से हुई हैं, लेकिन जब से कमलनाथ सरकार आई तो कमलनाथ सरकार आने से उसने ओबीसी के परसेंटेज बढ़ाया, 14% पहले आरक्षण था 27% कर दिया, जिस कारण से दिक्कतें हुई। शिवराज जी की सरकार ने उसको क्या सही करने की कोशिश नहीं की, और या क्या युवा अपनी दिक्कतों को वहाँ समझा नहीं पा रहे? क्यों नहीं की उन्होंने सहयोग करने, शिवराज जी ने सरकार ने सहयोग करने की कोशिश की है पूर्णतः जो उनसे हो सका है कोर्ट में। अभी कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा अभी दिसंबर में। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे सतना में बीजेपी को मजबूत दिख रही है, समझ में आ रही है जहाँ तक मेरा जो एनालिसिस कहता है। तो हमारे साथ यहाँ पे क्या नाम है आपका? सुहैल मंसूरी। सुहैल जी, क्या करते हैं आप? रजाई गद्दे काम। रजाई गद्दे काम, और भी कोई काम नहीं? वही काम है, रजाई गद्दे काम। अच्छा, तो क्या सतना में क्या चल रहा है, क्या चुनाव का क्या है माहौल, क्या है माहौल? तो यहाँ पर कांग्रेस का है। कांग्रेस का जी, यहाँ से तो बीजेपी ने सांसद जी को उतार दिया है चुनाव में, विधायक बनने की कोशिश में वो विधायक बनने की कोशिश में है, पर उसी वो तो बने 20 साल से, तो अभी उन्होंने कोई अभी विकास नहीं, नहीं बन पाएंगे, सांसद ही रहेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि सतना के क्या मुद्दे हैं, सतना में विकास को लेकर पिछले 20 सालों में या अभी जितने वक्त गुजरा उसमें क्या कुछ चीज़ें हुई हैं, और जो चीज़ काम हुए हैं उससे संतुष्ट हैं? अभी कोई काम तो नहीं हुआ, बस एक ही काम हुआ लाडली भैया, बस हो गया। घर में किसी को फायदा इसका मिला है? हाँ मिला है, खाते में आया पैसा? हाँ जी बिल्कुल आया। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 1500 हम देंगे, वो तो कह रहे हैं जीतने के बाद देंगे, अभी तो हमको यहाँ से मिल रहा है। तो जिनसे मिल गया है उनको वोट जाएगा कि जिनसे मिलने की उम्मीद है ज़्यादा उनको जाएगा? जिनसे मिल गया उनकी उम्मीद है, उन्हीं से उम्मीद है। सतना की स्टेशन रोड पे हम लोग आज जायके का स्वाद, कई अलग अलग तरह के जायके का स्वाद ले रहे थे, तो एक भाई हमें हमारे यूपी के मिल गए, जालौन से रहने वाले हैं, यहाँ पे इनके पिताजी के ज़माने से यहाँ पे है, पिताजी इनके पहले आए थे और ये अब यहाँ पे गोलगप्पे, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? इसको फुल्की बोलते हैं। फुल्की, पुचकी,
फुल्की बोलते हैं, फुल्की, फुल्की, फुचकी, गोलगप्पा, पानी बतासा, ये सारे नाम हैं अलग अलग जगहों पे जो बोले जाते हैं, लेकिन चीज़ एक ही होती है। तो क्या कर रहे हैं भाई इसके अलावा और क्या करते हो? पढ़ाई कर रहे हो? इससे मैं पढ़ाई भी करता हूँ। क्या नाम है? सुमित पचौरी नाम है मेरा। अच्छा, पचौरी। और मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। क्या, कौन सी पढ़ाई? बीकॉम, कंप्यूटर समझ लीजिए, इकोनॉमिक प्लेन तो होता नहीं। ओके ओके। तो जो शिवराज जी की सरकार में लड़कियों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है, लड़कों के लिए तो कुछ नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता भैया, क्या करें। ये शिकायत है आपकी? ये शिकायत तो है ही है, सब जब लड़कियों के लिए दे रहे हैं तो लड़कों के लिए कुछ देना, लड़के कैसे बेरोजगार भागते रहेंगे, उनके लिए भी नौकरी वोकरी कुछ, मतलब अपन हम लोग ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों को हम लोग को मिल नहीं पाती नौकरी, इतने लोगों को मेहनत करना पड़ता है। ब्राह्मण लोगों के लिए और ऊपर बता दिया कि और परसेंटेज 80 चाहिए, अब इतने परसेंट कैसे लाएं, हम लोगों को पढ़ाई भी करना है और काम धंधा भी करना है। पढ़ाई करेंगे तो आएंगे? वो काम तो मेहनत तो करना ही पड़ेगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो शिवराज जी की यहाँ सरकार है कई सालों से, तो युवाओं को लेकर काफ़ी वो बताते हैं, काम किए हैं, लेकिन एक वो पेपर लीक का मुद्दा तो रहता ही है, तो क्या लगता है कि ये सही से मैनेज कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ, युवाओं से जुड़े मुद्दों जैसे रोजगार को इसको लेकर के? अब ये तो नहीं बता सकता, ये उन्हीं के ऊपर है, वो जो भी ठीक। यहाँ सतना में क्या स्थिति है, कौन भारी है इस समय? तो पता नहीं, कुछ लोग भाजपा के बारे में बोलते हैं, कुछ लोग कांग्रेस के बारे में बोलते हैं। मैं क्या वोट देना है? पहली बार वोट दे रहा हूँ। किसको दोगे? अब देखिए किसको देते हैं। देख के वोट दोगे? अब देखूंगा जैसे घर वाले की स्थिति जैसे चलेगी वही देख। घर वाले बताएंगे वैसे कि वैसे अपने मन से? अपने मन से नहीं दूंगा, अपने मन से भी दूंगा अगर जिसको वो मेरे को सही लगा। वैसे तो मैं अन्य को ही दूंगा, मतलब अन्य मतलब किसी को नहीं, ना भाजपा को ना कांग्रेस को, किसी को नहीं। सबसे मोह भंग हो गया। तो आपने देखा यहाँ पे हम लोगों ने कई लोगों से बात की और उनसे जानना चाहा कि आखिर क्या सतना के मन में क्या है, सतना के लोग अपने यहाँ चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी असल ज़रूरतें क्या हैं, और अभी तक जो काम हुए उसको लेकर उनकी क्या राय है। तो मंच की मंडली आगे भी लोगों से बात करेगी और कई और शहरों में मध्य प्रदेश के जाके वहाँ के चुनाव में जो वहाँ का वोटर है उसकी नब्स को टटोलेगी और जानने की कोशिश करेगी कि जो दिसंबर में रिजल्ट्स आएंगे तो उसका क्या किस तरीके के परिणाम हो सकते हैं। सतना से वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ मैं अंकित शुक्ला।